नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दिल्ली एम्स भेजे जाने को लेकर 27 तारीख यानी कि 27 फरवरी को फैसला हो सकता है। कहा यह जा रहा था कि मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाएगा, तो अब खबर भी आ चुकी है, लालू प्रसाद यादव रांची के रिम्स से दिल्ली के एम्स शिफ्ट किए जा सकते हैं। इसके लिए रिम्स ने मेडिकल बोर्ड का गठन कर दिया है। मेडिकल बोर्ड में रिम्स के 8 अलग अलग विभाग के सीनियर डॉक्टरों को रखा गया है। वे सभी मिलकर 27 फरवरी को लालू प्रसाद यादव की बारीकी से जांच करेंगे, उनके रिपोर्ट्स को जांच करेंगे और अब तक जो उनका इलाज हुआ है उसमें कौन कौन सी बातें सामने आई हैं उन सभी को ध्यान में रखा जाएगा और एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रिम्स के सुपरिटेंडेंट है डॉक्टर विवेक कश्यप, उन्होंने क्या कुछ बताया है मीडिया से बातचीत में लालू प्रसाद यादव को अलग जगह पर शिफ्ट किए जाने को लेकर, सुनिए आप। हाँ, एक साल से ऊपर हो गया उनको यहाँ इलाजरत रहते हुए, तो उनके जो ट्रीटिंग फिजिशियन हैं डॉक्टर उमेश प्रसाद, उन्होंने कहा कि एक मेडिकल बोर्ड का गठन होके फिर से एक बार उनके इलाज की समीक्षा की जानी चाहिए। तो इसी संदर्भ में उनके द्वारा एक रिक्वेस्ट आया, तो उसके रिक्वेस्ट के आधार पे हमने 27 तारीख को 12 बजे एक कमेटी का गठन किया है जिसमें मेडिसिन, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, आई और रेडियोलॉजी के जो अस्थाई सदस्य हैं वो होंगे, साथ में उनके बीमारियों को देखते हुए यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी और साइकियाट्रिक के डॉक्टर्स भी होंगे। तो 8 डॉक्टरों की कमेटी उनके डॉक्यूमेंट्स का जाँच करेगी, उनके जितने भी उनको स्वयं जाके देखेगी और जो भी यदि आवश्यक हुआ तो जो भी जांच वगैरह है लिख के, तब फाइनली वो लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि क्या इनके इलाज में कोई और सुधार करने की आवश्यकता है या इन्हें कोई उच्च श्रेणी में भेजने की, उच्चतर संस्थान में भेजने की आवश्यकता है, उसका आकलन करके वैसा बताएगी, जैसा वो कमेटी बताएगी वैसा हम लोग करेंगे। तो आपने सुन लिया, उनके मुताबिक सब कुछ निर्भर करता है 27 तारीख को होने वाली उस मीटिंग पर जिसमें लालू प्रसाद यादव के पिछले रिपोर्ट्स को खंगाला जाएगा और ये फैसला लिया जाएगा कि क्या जो इलाज उनका रांची के रिम्स अस्पताल में चल रहा है वो सही है या फिर उनको और उच्च स्तरीय जांच के लिए आगे भेजा जाए। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव एक साल से अधिक समय से रिम्स में इलाज करा रहे हैं। मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर 27 फरवरी को उनके स्वास्थ्य का गहन जांच करेंगे और मेडिकल रिपोर्ट तैयार करेंगे। अगर ज़रूरत हुई तो उन्हें इलाज के लिए बेहतर अस्पताल में रेफर किया जा सकता है जिसमें कि एम्स भी शामिल है। रिम्स प्रबंधन 8 सदस्यों वाले मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर ही लालू प्रसाद यादव को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स ले जा सकता है। जानकारी के अनुसार मेडिकल बोर्ड लालू की हेल्थ रिपोर्ट की पहले समीक्षा करेगा। इस रिपोर्ट में संतुष्ट नहीं होने पर अगले दिन लालू प्रसाद यादव की फिर से जांच की जाएगी। मेडिकल बोर्ड के फैसले पर ही लालू को एम्स भेजने को मंजूरी दी जाएगी। मेडिकल बोर्ड में रिम्स के 8 विभागाध्यक्ष शामिल रहेंगे जिसमें कि मेडिसिन विभाग, सर्जरी विभाग, ऑर्थोपेडिक, कार्डियोलॉजी, यूरोलॉजी के साथ साथ अन्य विभाग शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के डॉक्टर विवेक कश्यप ने बता दिया कि अगर डॉक्टरों की जांच में ये बात सामने आई कि लालू प्रसाद यादव को और भी ज़्यादा अच्छे इलाज की ज़रूरत है, बेहतर अस्पताल में ले जाने की ज़रूरत है, तो हो सकता है कि रिम्स से उनको एम्स शिफ्ट कर दिया जाए। आप लाइव सिटी साथ बने रहिए, आपको बिहार समेत देश दुनिया की तमाम खबरों से लगातार अपडेट रख रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए, Facebook पेज को लाइक करिए और विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।